अराउंड अस और आपका स्वागत है स्ट्रिंग्स अराउंड अस के व्लॉग्स में। काफ़ी टाइम हो गया, मैं काफ़ी इरेगुलर रही हूँ, व्लॉग्स नहीं डाले हैं, बट आई एम कोशिश करूँगी कि आगे से भी थोड़ा कंटिन्यूटी में आ जाए। थोड़ा हेक्टिक चल रहा था, बट ट्राई करेंगे कंटिन्यूटी में आ जाए। सो गाइज, आज हम आपको लेके जाने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी और एक अद्भुत प्लेस पे, जहाँ पे हमने काफ़ी बार सोचा कि हम कॉम्बे टूर जाएंगे, वहाँ जाके दर्शन करेंगे, लेकिन वी आर लक्की कि हम बैंगलोर में हैं। और हम जा रहे हैं आदि योगी स्टैचू देखने के लिए, जो रिसेंटली बैंगलोर के पास चिकाबलपुर, अगर मैं गलत ना बोल रही हूँ, तो इस डिस्ट्रिक्ट के पास ही ओपन हुआ है, जो नंदी हिल से थोड़ा सा ही आगे पड़ता है। तो वहाँ पे जाएंगे और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे आदि योगी का, जो ईशा फाउंडेशन की तरफ से है स्टैचू, वो हम देखेंगे। तो ज़्यादा डिटेल तो अभी देखो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि हम अपना भी फर्स्ट टाइम है। तो बस अब हम निकल रहे हैं वहाँ जाने के लिए। मॉर्निंग के अभी बज रहे हैं 5:49 हो रहे हैं, सो अभी 5:49 हुआ है और बस हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं। बाकी की डिटेल्स आपको रास्ते में देंगे। हम जा रहे हैं एक और अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ, तो चलो चलते हैं। यहाँ पर वीकेंड फैमिली के साथ हम जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बनरकटा रोड से। बनरकटा मीनाक्षी मॉल के पास मेरा घर है, विच इज 70 एंड चिकबल्ला बोलो वे प्लेस है आदि योगी का स्टैचू, विच इज 70 किलोमीटर अवे। सो आफ्टर एयरपोर्ट दिस इज़ लाइक 20 किलोमीटर्स मोर, और रोड्स काफ़ी अच्छी हैं टिल द गेट ऑफ आश्रम। सो आश्रम का एक स्पेशल गेट है जहाँ पे आदि योगी लिखा हुआ है। सो उसके बाद थोड़ा रोड ख़राब होता है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट के बाद रोड जो है वो कच्चा रोड है, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई गड्ढे हैं, गाड़ियाँ बड़े प्यार से बहुत आराम से जा सकती हैं। एंड हार्डली इट इज़ 1 or 2 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है, ये कच्चा है बट सीनिक है, काफ़ी सीनिक है। यहाँ पे एक तालाब टाइप भी है जो कि एक बहुत अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे जो पार्किंग है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे आप फ्री पार्क कर सकते हो। तो बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं, सुबह सुबह का टाइम है, मौसम थोड़ा ठंडा है बट अच्छा है, धूप नहीं है, क्योंकि ये पूरा ओपन एरिया है और यहाँ पे कोई शेड वगैरह नहीं है। तो बेटर है आप सुबह सुबह आएँ और अपना इस चीज़ को और भी अच्छे से इंजॉय करें। तो आप देख सकते हैं ये है आदि योगी जी का स्टैचू, तो काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे नज़ारे हैं। सुबह का टाइम मैंने इसलिए आपको बोला क्योंकि धूप बहुत कम है, या अगर बारिश हो रही होगी तो भी शायद प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे अच्छा टाइम है सुबह सुबह आओ, क्राउड भी कम मिलेगा और मौसम भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो ये यहाँ पे ये स्टैचू है आदि योगी जी का, और यहाँ पे नवग्रह का भी मंदिर है। सो गाइज, मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप बैंगलोर में हैं या कभी बैंगलोर विजिट करने आए हैं, तो आदि योगी जी का स्टैचू ज़रूर एक्सपीरियंस करिए। यहाँ पे आना, एक अलग ही फीलिंग आएगी। अब हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, यहाँ के वातावरण को महसूस करेंगे, ये एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो आदि योगी जी के जो स्टैचू पे जो आप माला देख रहे हैं गले में, मैं आपको बता दूँ ये रुद्राक्ष की माला है, जिसमें मतलब जब आप बहुत करीब जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रुद्राक्ष हैं, जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितना मेहनत लगी होगी इस माला को बनाने में। तो बहुत ही मेहनत से ये स्टैचू बनाया गया है। इवन यहाँ पे जो टेम्पल है, टेम्पल के जो पिलर्स हैं वो भी नॉर्मल पिलर नहीं है, जो यहाँ का पिलर्स की आर्ट है वो बहुत ही अलग है। तो एक एक चीज़ें बहुत, आप जब डिटेल में यहाँ पर आके देखेंगे तब आप वो समझ पाएंगे। तो हमें तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, आकर आप फील करेंगे वो यहाँ पे लाइव आकर ही आप फील कर सकते हैं। मेरा वीडियो में दिखाने से इतना या मेरा बोलने से आप वो चीज़ फील नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ज़रूर आना अगर पॉसिबल हो तो। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। सब्सक्राइब करना मत भूलना और लोगों के साथ भी शेयर करना। सो ये है न्यू आदि योगी जी का स्टैचू। रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे चैनल को इसी तरह पसंद करने के लिए थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।